चलिए आज हम लोग एक रसमलाई चार देखेंगे। जब आप पिछला वीडियो देख रहे थे तो थोड़ा सा मिस्टेक उसमें हुआ था, और मिस्टेक ये था कि जहां हम क्वेश्चन लिख रहे थे वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम क्या किए हैं कि यहाँ चिन्ह लगा दिए हैं कि इसके नीचे लिखना है। उस समय ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ वही नहीं दिख रहा है जहाँ हम क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्वेश्चन तो आपके किताब में भी है। आज देखते हैं हम लोग एक दशमलव चार का जरा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत इजी इंट्रोडक्शन इसका भी है एक दशमलव चार का, और इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कर्म विनिमय और साहचर्य का। साहचर्य इसी दोनों का बात करेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इसी पे बात करेंगे, पूरा एक्सरसाइज इसी पे आधारित है। तो देखिएगा कर्म विनिमय क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्म विनिमय। कर्म विनिमय देखिएगा, कोई भी संक्रिया, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, कोई भी संक्रिया कर्म विनिमय तभी कहलाता है जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। यदि ऐसा हो जाए ए स्टार बी, ये जो बीच में हम ये दिए हुए हैं इसको आप या तो ऑपरेशन पढ़ सकते हैं या फिर स्टार पढ़ सकते हैं। स्टार पढ़िए, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे स्टार ही पढ़िए। ए स्टार बी, बी स्टार ए, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यदि ऐसा हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्म विनिमय, ठीक। और सेकेंड नंबर है साहचर्य का। साहचर्य कब होगा, यदि ए स्टार बी स्टार सी, देखिए यहाँ पर ये साइड वाला घेरिएगा, ये बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला यदि इस रूप में बराबर हो जाएगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साहचर्य बोलेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से एक बार बोलते हैं कर्म विनिमय कब बोलेंगे, जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। साहचर्य कब बोलेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इस दोनों पे संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, फिर किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, सी के साथ, फिर देखेंगे कि क्या ये मतलब है। देखो ना, यदि तीन प्लस चार प्लस छः, तीन प्लस चार प्लस छः, इधर पहले ये दोनों को बोल रहा है जोड़ने, इधर ये दोनों को जोड़ने बोल रहा है, ऐसा बात बोल रहा है। तो यहाँ पे करेंगे तीन प्लस चार सात प्लस छः, इधर तीन, पहले ये दोनों को जोड़िएगा, छः प्लस चार दस, सात छः तेरह और दस तीन तेरह, बराबर आ गया। देखेंगे क्वेश्चन सब कैसा दिया है, यहाँ पर तो ये बराबर आना ही था, वहाँ जब क्वेश्चन लेने लगेंगे तो कुछ बराबर आएगा कुछ बराबर नहीं आएगा। बेसिकली हमको यही बताना था इसमें कर्म विनिमय और साहचर्य, यहाँ तक आ रहा है। हाँ इसमें हम पूरा बोर्ड लिख सकते हैं, दिख जाता है। तो जरा सा सिर्फ यही बात उतार लीजिए, कर्म विनिमय हम लोग कब बोलेंगे, जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए। साहचर्य कब बोलेंगे, जब ए स्टार बी स्टार सी, इधर पहले ए और बी में संक्रिया लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, और फिर इधर बी स्टार सी, ठीक। तो इसको लिखिए पहले, मेन इसका यही था कर्म विनिमय और साहचर्य। जैसे देखेंगे एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने,
और जरा सा आप एक दशमलव चार ही निकालिएगा, एक दशमलव चार का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो सबसे पहले ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्वि आधारित संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं उस दशा में जब स्टार एक द्वि आधारित संक्रिया नहीं है। अभी जो ये स्टार है ये द्वि आधारित संक्रिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी ये जो है द्वि आधारित संक्रिया है कि नहीं है, द्वि आधारित संक्रिया है। देखिए द्वि आधारित संक्रिया इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए है देखिएगा, ए स्टार बी और बी स्टार ए ये दोनों बिलोंग कर जाना चाहिए इसमें जेड प्लस में। जेड प्लस मतलब चाहे आर दिया रहे, रियल नंबर दिया रहे, जेड दिया रहे या फिर एन दिया रहे, नेचुरल नंबर दिया रहे, जो भी दिया रहेगा उसमें क्या होना चाहिए ये बिलोंग कर जाना चाहिए, ये भी और इसका उल्टा भी। यदि बिलोंग कर जाएगा तब उसको द्वि आधारित संक्रिया बोलेंगे, ठीक। या फिर आप ये भी कहीं साइड में लिख लीजिए कि यदि ए स्टार बी और बी स्टार, ये वाला लाइन ऐसे लीजिएगा, बी स्टार ए ये दोनों बिलोंग कर जाएगा किसमें, ये बिलोंग करना इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, बिलोंग करना आप जान रहे हैं एक दशमलव एक जब पढ़ते थे। ये बिलोंग कर जाए किसमें, जो दिया रहेगा, जेड प्लस दिया रहे, जेड माइनस दिया रहे, एन दिया रहे, आर दिया रहे, उसमें बिलोंग कर जाना चाहिए। यदि बिलोंग कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वि आधारित संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, बड़े आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हम देखते हैं सबसे पहले ए स्टार बी है, देखिए ए स्टार बी इसको क्या लिखा है, इसको क्या लिखा ए स्टार बी को, ए माइनस बी। देखिए ऑपरेशन मतलब क्या, चाहे प्लस होगा माइनस होगा भाग होगा गुना होगा यही सब ना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग। तो इस स्टार का मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जिसके बीच में स्टार है, देखिए जिसके बीच में स्टार है, ए और बी के बीच में स्टार है, तो उसको किस में बदल दीजिए, माइनस में बदल दीजिए, ये समझिए सूत्र दिया रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो ए स्टार बी बराबर क्या दिया है, ए माइनस बी, तो वही ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी ये लिख लिए। अब क्या ये बिलोंग करता है जेड प्लस में, जेड प्लस में बिलोंग करता है। मान लीजिए आपको साइड में उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए ए बराबर आठ ले लिए, बी बराबर छः ले लिए, ए माइनस बी निकालिए, आठ माइनस छः कितना होगा, टू। तो ये जो टू है ये तो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, नहीं जेड मतलब क्या, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है वो, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। और देखिए इसका उल्टा भी निकाल लेना है, बी स्टार ए, तो जब ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है तो बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। अब आप लोग बोलिए कि क्या ये दोनों बराबर है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, आप ही लोग बोलिए बराबर है कि नहीं है। तो आप बोलिएगा सर नहीं है, क्यों, एगो है a माइनस बी एगो है b माइनस a, ये उल्टा पुल्टिन हो गया,
उल्टा हो गया, और जब ऐसा हो गया कि ये आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख दीजिए कि सिर्फ नहीं, इस पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आई देखो ए बराबर आठ लेते हैं, बी बराबर छः, तो ए माइनस बी कीजिए तो देखिए कितना निकलता है, आठ माइनस छः बराबर दू, यहाँ पे बी माइनस ए कीजिए तो छः माइनस आठ हो जाएगा माइनस दू। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, इसीलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी पढ़िए। पहला का सेकेंड है, बोल रहा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, ये बोल रहा है, इसको चेक कीजिए ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ए स्टार बी का मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी मतलब गुना कर दिया दोनों को, जिसके बीच में स्टार है उसको क्या कर दिया, गुना कर दिया है। देखिए ए स्टार बी बराबर बी ए निकला, तो इसको उल्टा के निकालिए ना, है देखिए, चूंकि ए स्टार बी बराबर ए बी तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, बी ए हो जाएगा, ए बी और बी ए ये तो आपस में बराबर ही है, यदि एग्जाम्पल लेना चाहिएगा यहाँ पर। तो देखिए यदि ए बराबर दो बी बराबर तीन लेते हैं, तो देखिए ए बी बराबर बी ए कीजिए तो ए बी मतलब दो गुना तीन, बी ए तीन गुना दो तो छः बराबर छः, ये तो बराबर हो गया, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। तो इसमें क्या लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, ये एग्जांपल नहीं भी लिख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है। पहला का तीसरा देखिएगा, आर में संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, आर मतलब रियल नंबर दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, सबसे पहले यही समझना होता है कि आखिर ये बनाया कैसे है। देखिए कैसे बनाया, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर मतलब आगे वाले को जैसे तैसे उतार दिया, लेकिन ये पीछे वाले का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सेम वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, है देखिए ए स्टार पर ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर, तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए आगे वाले को लिख दिया, आगे वाले को लिख दीजिए, पीछे वाला बी का स्क्वायर कर दिया, तो हम भी क्या कर दीजिए, ए का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप ही लोग बोलिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, ए बराबर एक ले लीजिए और बी बराबर दो ले लीजिए, है देखिए ए बी स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर कीजिए, तो ए का मान एक बी का मान है देखो दो रखेंगे, तो यहाँ दो का स्क्वायर हो जाएगा, अब की बार दो रखिए और ए मतलब एक का स्क्वायर है, देखिए दो दूनी चार, इधर एक एकम एक गुना दो दो, तो क्या ये बराबर हुआ, ए स्टार बी बराबर नहीं हुआ, बी स्टार ए के बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए नहीं। क्या कोई दिक्कत इसमें, चलते हैं चार नंबर पे, इसी तरह बहुत आसान है। और चार नंबर आप अपने से भी कर सकते हैं, चार नंबर आप अपने से भी कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें ऐसा मिल सकता है जिसका आंसर नहीं मिलेगा, आप सीबीएसई वाला बुक देखिएगा तो उसमें सही दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाला, खैर कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए सब समझ लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए,
चार नंबर भी बहुत आसान है, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मोड। ध्यान से देखिए इस बार ये क्या बनाया है सूत्र, समझिए ना कि ये सूत्र ही बना रहा है इसको। ठीक, ए स्टार बी क्या बनाया, ए माइनस बी, और ए माइनस बी जो किया हुआ है ये क्या किया हुआ है, ए इसी स्टार को माइनस लगा दिया, इसी स्टार को क्या बना दिया माइनस, और मोड ले लिया। इसका मतलब बी स्टार ए लेंगे तब क्या होगा, बी माइनस ए हो जाएगा और ये मोड होगा, और ये क्या होगा मोड होगा। अच्छा जरा सा एक मिनट, हम लोग तीन नंबर फिर से देखेंगे, जरा सा हम ये क्रम विनिमय करने लगे, क्रम विनिमय वाला रूल हम लगा दिए। तीन नंबर जरा सा फिर से देखेंगे आप लोग, तीन नंबर फिर से देखेंगे, ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है रियल नंबर में आर में। तो ध्यान से देखिए ये तो रियल नंबर है ही, यदि हम लोग बी स्टार ए करेंगे, बी स्टार ए करेंगे है, देखो ए आगे वाले को लिख दिया, मतलब आगे वाले को लिख दीजिए, पीछे वाले का क्या कर दीजिए स्क्वायर। यदि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मेरा कहने का मतलब कोई उदाहरण दीजिए ना, ए बराबर एक ले लीजिए, बी बराबर दो ले लीजिए, है देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी ए का स्क्वायर, ये बराबर नहीं करना होता है, इसमें बराबर किसमें करना होता है, क्रम विनिमय में और साहचर्य में। ठीक, ये जरा सा हमको क्रम विनिमय का याद आ गया था। यहाँ पर देखिए ये रियल नंबर में है तो ये भी रियल नंबर में होना चाहिए, तो देखिए आप सबसे पहले ले लीजिए, यदि ए बराबर एक बी बराबर दो, तो ध्यान से देखिएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए कितना एक, और बी का स्क्वायर मतलब ये दो का स्क्वायर चार डायरेक्ट लिखते हैं बराबर चार, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। पुनः बी ए का स्क्वायर ये तो देखते हैं, बी मतलब क्या दो, ए मतलब क्या एक, तो ये दो ही हो जाएगा, ये भी तो रियल नंबर है, मतलब ये बराबर है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपका ये भी रियल नंबर है तो ये भी रियल नंबर होना चाहिए, मतलब ए स्टार बी जिसमें बिलोंग कर गया वही बिलोंग बी स्टार ए भी करना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तब वो बाइनरी ऑपरेशन है, और नहीं हुआ तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह सेकेंड नंबर में भी देखिएगा, तीन नंबर हम कर दिए, एक नंबर भी कर दिए थे, दूसरा नंबर तो आप आराम से बना सकते हैं कि हम एक लाइन में कर ही दें, दूसरा नंबर देखिए तुरंत कर देते हैं, ए स्टार बी बराबर ए बी दिया हुआ है, ये जब बोल रहा है जेड प्लस में बिलोंग करता है तो बी स्टार ए बराबर बी ए, ये भी किस में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में बिलोंग करेगा, मतलब एक उदाहरण लीजिएगा, ए बराबर दो बी बराबर तीन लीजिएगा, है देखिए ए स्टार बी, ध्यान से देखिए ए स्टार बी मतलब क्या, दो गुना तीन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार को ये गुना में बदल रहा है, तो दो गुना तीन बराबर छः, ये जेड प्लस है, इसी को बी स्टार ए निकालिएगा, है देखिए बी स्टार ए मतलब क्या, बी गुना ए हो जाएगा, तीन गुना दो मीन्स क्या छः, और ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस में, इसमें क्या लिख दीजिएगा हाँ है, इसमें भी क्या लिखिएगा हाँ, इसमें भी क्या लिखिएगा हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, ये हाँ हो गया ये भी हाँ हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, पाँच मिनट या चार मिनट बर्बाद हुआ होगा, हम चाहें तो इस चीज़ को कट भी करके डाल सकते हैं कि जितना गलती हुआ उस जगह वीडियो को कट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि गलती हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकता है। और गलती होने के बाद यदि आप उसको सुधार लिए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है संसार में, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं किसी भी क्षेत्र में।
चलिए चार नंबर देखते हैं, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, और ये जेड प्लस बोल रहा है, जेड प्लस बोल रहा है, मतलब इंटीजर्स होना चाहिए। तो यदि ये इंटीजर्स है, तो ध्यान से देखिए, क्या बी स्टार ए भी इंटीजर्स होगा? हम लिख देते हैं हाँ है। कैसे है देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए, ए स्टार बी मतलब दोनों को घटा के मोड लिख दिया, बी स्टार ए का मतलब भी यही होगा कि दोनों को घटा दिए और मोड ले लिए। आप बोलिएगा सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए आप जेड प्लस एट है, देखिए जब मोड है अंदर में माइनस भी आएगा तो उसको प्लस में बदल देगा वो मोड के कारण। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। यदि ए बराबर तीन बी बराबर दो, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मोड, तीन माइनस दो का मोड मीन्स एक निकलेगा, ये बिलोंग्स टू कहाँ, जेड प्लस वन इंटीजर्स है ना, एक इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। बी स्टार ए मीन्स क्या, बी माइनस ए हो जाएगा, मतलब दो माइनस तीन हो जाएगा, ये अंदर में तो माइनस एक होगा, इस मोड के कारण क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें भी क्या लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए। चलते हैं पांच नंबर क्वेश्चन में, अब की बार क्या दिया, जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए लिखा द्वारा परिभाषित, इसमें भी जेड प्लस ही लिखा, तो देखिएगा ये बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ध्यान से देखिए बी स्टार ए, आई देखो इसको सूत्र में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये कैसे बदला गया है, देखिएगा ए स्टार बी बराबर ए लिख दिया, मतलब खाली आगे वाले को लिखा, पीछे वाले छोड़ दिया, तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, खाली आगे वाला होगा, मतलब बी हो जाएगा। अच्छा ये विद बिलोंग्स टू जेड प्लस है, हाँ बोलिएगा कैसे, लीजिए उदाहरण, आई देखो ए बराबर तीन लेते हैं, बी बराबर चार लेते हैं, जो अपने मन में ले लिए जेड प्लस नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। अब देखिएगा ध्यान से कि ए स्टार बी बराबर, देखो खाली आगे वाला भाग लिया हुआ है, ए लिया हुआ है ए, और ए का मान कितना, तीन, क्या तीन नहीं है इंटीजर्स, है इंटीजर्स। फिर देखिए बी स्टार ए बराबर आगे वाला खाली लेना है बी, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सूत्र बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ए स्टार बी को खाली ए लीजिए, तो बी स्टार ए बराबर खाली क्या लीजिएगा, बी लीजिएगा आगे वाला भाग, अब बी कितना मान है, चार, चार भी तो है ये इंटीजर्स है ना, तो ये क्या हो गया कि ये भी बिलोंग कर गया, ए स्टार बी भी बिलोंग कर गया जेड प्लस से, बी स्टार ए भी बिलोंग कर गया जेड प्लस से, तो क्या लिखिएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ लिख देंगे हम लोग, आसान है ना, पांचों क्वेश्चन कर दिए, पहला नंबर में पांच क्वेश्चन था, पांचों को कर दिए। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में, एकदम कॉपी में भी लिखते जाइए, ये नहीं कि वीडियो देख लिए समझ लिए छोड़ दिए। अब दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक दो आधारित संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साचर्य है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रम विनिमय और साचर्य है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ये आपको बताना है कि क्या ये साचर्य है और क्या ये क्रम विनिमय है। जरा सा देख लें कि क्वेश्चन जो लिखे हैं तो वो दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों से मिस्टेक हुआ था, हम लोगों से मतलब
आपसे मिस्टेक नहीं हुआ था, हमसे हो गया था कि जब कैमरा बांध दिए थे उसमें हम ध्यान नहीं दिए और वहाँ लिखते चले गए पूरे बोर्ड में, और जब हम बाद में वीडियो देखते हैं तो पता चल रहा है क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये आपको बताना है कि क्या ये कर्म विनिमय है और साहचर्य है। आप याद कीजिए, अभी तुरंत बताए हैं आपको कर्म विनिमय कब होगा, जब ए स्टार बी और बी स्टार ए आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि ऐसा हुआ कर्म विनिमय है। देख लेते हैं ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो बी स्टार ए बराबर क्या होगा, बी स्टार ए बराबर क्या होगा, बी माइनस ए होगा क्योंकि बीच में माइनस लगा रहा है। अब बोलिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप बोलिएगा कि नहीं है बराबर। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल लेना चाहिएगा। ए बराबर लेते हैं 5 है, बी बराबर लेते हैं 4 नहीं कुछ भी आप उदाहरण अपने मन से ले लीजिए। फिर देखिएगा यदि ए स्टार बी बराबर निकालिएगा, ए माइनस बी दिया हुआ है, 5 - 4 बराबर 1, अब बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए, तो 4 - 5 - 1। ध्यान से देखिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए नहीं आया, ये एक आ गया, ये माइनस एक आ गया। कर्म विनिमय नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को वो वाला नहीं देखना है कि ये भी बिलोंग्स टू जेड, ये बिलोंग्स टू जेड, नहीं वो नहीं देखना है क्योंकि जेड से तो बिलोंग कर ही गया। यहाँ पर कर्म विनिमय बोल दिया, वो कब करना है, जब द्वि आधारी संक्रिया चेक करने बोलेगा। लेकिन यहाँ क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन में, पेज नंबर 27 का नीचे वाला 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्वि आधारी संक्रिया, पहले से बोल दिया कि जो भी संक्रिया दिया हुआ है वो द्वि आधारी है। आपको क्या चेक करना है, कर्म विनिमय और साहचर्य चेक करना है। तो कर्म विनिमय ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए नहीं आया। अब देखते हैं साहचर्य चेक करते हैं। साहचर्य के लिए क्या कंडीशन बताए थे, ये समझिए, दो का फर्स्ट था पुनः। साहचर्य के लिए देखिए क्या बताए थे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये वाला क्रिया कर लीजिए, अब फिर उधर देखिए ए स्टार बी स्टार सीधा ये साइड वाला क्रिया करना है। अच्छा एक के साथ दोनों को लेकर चलें, एक के साथ दोनों को लेकर चलते हैं। देखिए साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी है, इस दोनों को घेर दीजिए, ए स्टार बी स्टार सी, इस बार ये दोनों को घेर दीजिए। अब देखिए ए स्टार बी पहले यही दोनों अपना क्रिया कीजिएगा, ब्रैकेट वाले पहले क्रिया कर लीजिए। इसको क्या बोलता है, जहां पर स्टार है दोनों के बीच माइनस लगा दीजिए, जहां पे स्टार है दोनों के बीच क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बाकी सब उतार देते हैं। यहाँ पे यहाँ माइनस लगेगा बी माइनस सी में। अब देखिए अब ये एक हो गया, ये मिलके ये दोनों मिलके एक हो गया, ये एक है, अब इस दोनों के बीच माइनस लगेगा, मतलब ए माइनस बी पहले से स्टार का मतलब क्या, माइनस लगा रहा है यहाँ देखिए ए, इसका मतलब माइनस लगेगा, और बी माइनस सी तो यहाँ पहले से है, तो ए माइनस बी माइनस सी, तो ये माइनस जब अंदर लेके जाइएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं आया, मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू नोट ए स्टार बी स्टार सी, साहचर्य नहीं है। इस जगह से उतार दीजिए, क्या कोई दिक्कत, कर्म विनिमय भी नहीं है और साहचर्य भी नहीं है। चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन पर। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कहानी चल क्या रहा है कर्म विनिमय और साहचर्य का। मतलब स्टार्टिंग में पहले यही आप लोगों को बताए थे,
दो का सेकेंड जो दिया हुआ है वो है ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन। देखते हैं इसको, क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि, ये बात नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ए स्टार बी अब बी स्टार ए निकाल के देख लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं, या एक के लाइन में ये डायरेक्ट हो जाएगा तो यही हमको अच्छा लगा, आप किसी भी तरह बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर क्या निकल जाए, बी स्टार ए निकल जाए। ध्यान से देखिए ए स्टार बी क्या बोल रहा है कि दोनों को गुना कर दीजिए और साइड से एक प्लस कर दीजिए, तो दोनों को गुना कर दीजिए साइड से एक जोड़ दिए, दोनों को गुना कर दिए साइड से एक जोड़ दिए, ये तो आपस में बराबर हो गया। देखो ना ए बी और बी ए ये तो एक के बात ना है, उदाहरण लीजिएगा ए बराबर एक बी बराबर दो है, देखो यहाँ यदि रखोगे एक गुना दो एल एच एस बराबर है, देखो डायरेक्ट लिखते हैं ए का मान एक बी का मान दो प्लस एक, दो गुना एक दो प्लस एक तीन, आर एच एस बी गुना एक मतलब दो गुना एक बी गुना ए प्लस एक, दो गुना ए दो प्लस एक तीन, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है साहचर्य होंगे, है देखिए साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इधर से ये दोनों को गुना करके एक जोड़ दीजिए, इस दोनों को गुना करके एक जोड़ दीजिए, फिर से ये स्टार है ही, इस दोनों को गुना करके एक जोड़ दीजिए, अभी इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, स्टार सिर्फ स्टार का काम कर लिए, क्या बोल रहा है जिसके बीच में स्टार है गुना कर दीजिए एक जोड़ दीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं ये बात क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार जिसके बीच में है गुना कर दीजिए एक जोड़ दीजिए। अब देखो स्टार इस दोनों के बीच में है तो पहले बोल रहा है गुना कर दीजिए, मतलब है देखो ए बी प्लस एक को सी से गुना कर दीजिए एक जोड़ दीजिए, यही तो बोल रहा है, फिर बराबर इस दोनों के बीच स्टार है तो पहले दोनों को गुना कर दीजिए अब फिर है देखो एक जोड़ना है, देखिए बराबर है कि नहीं, ए बी गुना सी ए बी सी प्लस एक गुना सी सी एक, एक पहले से ए बी सी प्लस एक गुना एक ए प्लस एक, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ ए बी सी मिल गया एक एक मिल गया, यहाँ सी है यहाँ ए है, मतलब ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी आपस में बराबर नहीं है, तो साहचर्य नहीं है। इतना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहां भी उदाहरण ले सकते हैं ए बराबर एक दो तीन जो लेना है ए बी सी, तीन नंबर देखेंगे, दो का तीसरा बोल रहा है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी बटे टू, क्यू किसको सूचित करते थे, क्यू से याद कीजिए जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे बताए थे कि रेशनल नंबर को क्यू से सूचित करते हैं, बताए थे ना, आप कॉपी पीछे पलट जाइए,
अब की बार क्या किया कि दोनों को गुना कर दिया और दूसरे भाग दे दिया, जिसके बीच में स्टार है गुना कर दीजिए उसको और दूसरे भाग दे दीजिए। तो देखिए कर्म विनिमय होंगे, कर्म विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। आई देखो दोनों को गुना कर दिया और दूसरे भाग दे दिया, दोनों को गुना कर दिया दूसरे भाग दे दिया। ये तो ऐसा दिख रहा है कौन सा क्रम विनिमय है, ए बी बटे टू बी ए बटे टू बराबर है आपस में। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो क्रम विनिमय है। अब क्या लिखेंगे, सहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, इस दोनों को पहले कीजिए ए स्टार बी स्टार सी फिर इस दोनों को। तो ए स्टार बी स्टार सी मतलब क्या, ए स्टार बी को हल कीजिएगा तो ए बी बटे दो पहले कर देंगे फिर स्टार सी बराबर, इधर क्या होगा कि बी सी बटे टू हो जाएगा, जिसके बीच स्टार है गुना करके दूसरे भाग दे दीजिए। अब देखिए जिसके बीच में स्टार है गुना कीजिए, मतलब ए बी गुना सी ए बी सी बटे टू, फिर क्या बोल रहा है दूसरे भाग देने, ये दो पहले से है ध्यान रखिए, ये तो दो पहले से है, यहाँ देखिए ए बी सी बटे टू अब फिर दूसरे भाग देने भी तो बोलता है, जिसके बीच स्टार है गुना कर दिए बी सी गुना ए ए बी सी दो अब फिर बोलता है दूसरे भाग देने, वही कर दिए ना हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं थे कि इसके नीचे कुछ नहीं थे, जब इसको हल कीजिएगा ए बी सी ए बी सी ये एक नीचे में ऊपर चला जाएगा और ये दो और दो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, साचर्य है क्योंकि ये क्या हो गया ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इस जगह ये भी लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस साचर्य है, कुछ भी लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, उधर वो दोनों घेरिए इधर ये दोनों घेरिए और लिख देंगे साचर्य है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन में इसका, चार नंबर क्वेश्चन दिया वाई जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर टू पे पावर ए बी। देखिए क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। क्या बोला है कि जिसके बीच स्टार है, जिसके बीच स्टार है उसको गुणा करके पावर में लिख दीजिए, किसके पावर में दो के पावर में, इसका मतलब दो अपने मन से लिखना है ए बी, दो अपने मन से लिखना है बी ए, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस क्रम विनिमय है। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखे थे एल एच एस आर एच एस नौ लिख करके ये लिखे थे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया, उससे कोई दिक्कत ना कुछ भी लिखे ना साचर्य होंगे। अगला स्टेप हम लोगों का क्या है, साचर्य होंगे यदि कब, जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, इधर ये वाले को घेरेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, जिसके बीच में स्टार है उसको गुना कर दीजिए पर दो अपने मन से लिख दीजिए, देखिए दो अपने मन से लिख दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए ए स्टार सी बराबर ए। देखिए बोल रहा है दो अपने मन से लिखिए दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए
तू अपने मन से लिख दीजिए, लिख दिए। अब बोल रहा है दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए, मतलब दू पे पावर ए बी, ए बी अब गुना क्या हो जाएगा सी। हाई देखो सी यहाँ आगे हम लिख दें, हाई इस जगह सी लिख देते हैं आगे में सी, यहाँ पर क्या हो गया टू पे पावर सी अब गुना टू ए बी, अब बराबर है देखो टू अपने मन से लिख दो, अब पावर में क्या हो जाएगा ए अगुना दू पे पावर, सॉरी ये पावर में नहीं रहेगा, ए अगुना टू और दू पे पावर है बी सी। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ देखो पावर ए बी है और यहाँ बी सी है, स्वाभाविक सा बात है कि ये बराबर नहीं है। तो एल एच एस बराबर नोट आर एच एस, तो यहाँ लिख दीजिए साचार्य, साहचार्य नहीं है। चलिए इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इस जगह छह क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर ए पे पावर बी, ए स्टार बी बराबर ए पे पावर बी, कर्म विनिमय होंगे, कर्म विनिमय होंगे कब, कब होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। हाँ देखिए ए पे पावर बी, ये सिक्स नहीं है, ए पे पावर बी है, मतलब आगे वाला लिख दिया पावर पीछे वाले को लगा दिया, आगे वाला लिख दिया पावर पीछे वाले को लगा दिया। बोलिए ये बराबर है एल एच एस बराबर नोट एल एच एस, क्यों, क्योंकि यहाँ ए पे पावर बी है, यहाँ बी पे पावर है, उल्टा पुल्टी है। तो कर्म विनिमय, कर्म विनिमय नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, साहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, इधर ये दोनों को घेर दीजिए, ए स्टार बी स्टार सी, इधर ये दोनों घेर दीजिए। क्या बोलता है ये कि जिसके बीच में स्टार है आगे वाले को लिख दीजिए पीछे वाले को पावर कर दीजिए, आगे वाले को लिख दीजिए पीछे वाले को पावर कर दीजिए। अब ये पहले से है, यहाँ इसको ब्रैकेट वाले ना हल कीजिएगा, आगे वाले को लिख दीजिए पीछे वाले को पावर कर दीजिए। अब यहाँ ठीक से सुनिए कि ए पे पावर बी स्टार सी, आगे वाले को लिख दीजिए ए पे पावर बी लिख दीजिए, और इसको क्या कीजिए पीछे वाले को पावर में लगा दीजिए। यहाँ क्या कीजिए, आगे वाले को लिख दीजिए अब पीछे वाले को पावर में लगा दीजिए। देखिए ये क्या हो गया, ए पे पावर बी इस दोनों पे पावर सी, यहाँ क्या है ए पे पावर बी पे पावर सी। बोलिए ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है ये, क्योंकि यहाँ ए पे पावर बी पे पावर सी है, यहाँ दो को पे मिला के तो पावर है, यहाँ क्या है इस ए पे पावर बी पावर सी है। तो यहाँ पर ये एल एच एस बराबर नहीं आया आर एच एस, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साहचर्य नहीं है। पांच नंबर भी हो गया, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे। ये यहाँ पे फिर से नहीं आया, हम अभी तुरंत देखें, तो ये है टू पे पावर ए बी, कोई बड़ा बात यहाँ पर नहीं कटा था। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, दो नंबर में छह क्वेश्चन दे रखा है। खा नंबर जब इसका देखिएगा तो बोल रहा है ए स्टार बी बराबर ए बटे बी प्लस वन, ये कर दिया है ए स्टार बी बराबर ए बटे बी प्लस वन आर है। देखो तो इस पे टेंशन मत लीजिएगा, आगे में ये दिया हुआ है, मैं इसमें इसका मतलब क्या,
लेना रियल नंबर है, लेना रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में क्या घटा देंगे, माइनस एक घटा देंगे। ठीक, क्यों माइनस एक घटा देंगे, यदि हम बी का मान माइनस एक लेंगे तो माइनस है, देखो ना माइनस एक लेंगे बी का मान तो ये क्या होगा, जीरो होगा, और नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे में जीरो आएगा तो वो ओ परिभाषित होने लगेगा। चलिए, क्रम विनिमय होंगे, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, आगे वाले को लिख दीजिए, पीछे वाले को लिख के एक जोड़ दीजिए, वही करेंगे, आगे वाले को लिख दीजिए, पीछे वाले को लिख के एक जोड़ दीजिए, क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमय भी, क्रम विनिमय भी नहीं है। फिर लिखेंगे सहचर्य होंगे यदि ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों को घेरेंगे, ए स्टार बी स्टार सी ये दोनों को घेरेंगे। क्या बोलता है, ए स्टार का मतलब कि आगे वाले को लिखिए, पीछे वाले को यहाँ नीचे लिख के एक जोड़ दीजिए, ए स्टार सी है। देखिए आगे वाले को लिखिए, नीचे वाले को सॉरी पीछे वाले को लिख के एक जोड़िए। है देखिए, फिर से देखिए, अब इसमें लगाइए, ये सीधा वाला लकीर दीजिए, किताब सीधा वाला लकीर दे रहा है। देखिए आगे वाला लिखिए, मतलब ए बटे बी प्लस वन लिखिए, आगे वाला को लिखिए, फिर बटे का चिन्ह दे के पीछे वाला लिखिए और एक जोड़ दीजिए, आगे वाले को लिखिए और फिर यहाँ पीछे वाला लिख के एक जोड़िए, इसको हल कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि ये बराबर नहीं होगा, नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं। आ देखो ये दोनों एक साथ है, फिर ये इधर है, मतलब ये तो ऐसे कैलकुलेट हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक ऊपर जाएगा तो ए बट गुना एक, तो ए रह जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, लेकिन इसका कहानी कुछ और होने लगेगा। ए बट ए, आ देखो ये दोनों का एलसीएम आएगा, सी प्लस एक और एक का एलसीएम सी प्लस ए, इसको भाग देंगे, भागफल एक, यहाँ बी हो जाएगा एक का को पढ़ेंगे सी प्लस एक, सी प्लस एक हो जाएगा सी प्लस एक गुना एक सी प्लस एक। अब देखिए यहाँ पर ए के नीचे एक है, क्योंकि ये दोनों साथ में ना है, ए के नीचे कुछ नहीं कितना है एक है, यहाँ पे क्या आया ए बटे बी प्लस वन सी प्लस वन बराबर है। देखो तो ए बटे ए का गुना ये सी प्लस वन ऊपर चला जाएगा और बटे बी प्लस सी प्लस वन, देखो ना बराबर है कभी, यहाँ खाली ए है, ये साइड ऊपर में खाली ए है और ये साइड ऊपर में ए भी है सी प्लस वन भी है, कभी बराबर है। तो एल एच एस बराबर नोट आर एच एस साचार्य नहीं है। दो नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तीन नंबर भी बहुत आसान है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज में कहीं कोई दम नहीं है, एक्सरसाइज में कहीं कोई दम नहीं है, आप लोग बेहतर समझ चुके हैं और ये क्लास में पढ़ते हैं तो और मज़ा आ जाता है, इतना आसान है, फिर आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा समुच्चय एक दो तीन चार पाँच, ये को समुच्चय दे दिया, इसको ए लिख लेते हैं, में ए ऑपरेशन बी, इसको क्या पढ़िएगा ऑपरेशन पढ़िए, है वैसे लिखा हुआ है, ए ऑपरेशन बी बराबर निम्नतम, बराबर निम्नतम किसका, ए बी का,
देखो ये दोनों का मतलब क्या दिया, कैसे है? बी पीछे देता था, ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी या ए बी जो भी देता था। यहाँ क्या दिया, इस ऑपरेशन का मतलब क्या दिया, निम्नतम। किसका निम्नतम? ए बी का, ए बी का निम्नतम। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया ऑपरेशन के लिए सारणी लिखे, सारणी लिखना है इसका हम लोगों को, क्या लिखना है? सारणी। देखिए सारणी भी लिखना बहुत आसान है, सारणी भी लिखना क्या है, बहुत आसान है। यदि हम लोग इस घर में ए लिख लेते हैं या ए मत लिखे, अब यहां लिख दीजिए कि ये ऑपरेशन है और इधर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इसी सारणी को भरना है। समझिए कि वो कटकुनिया मोबाइल में वो गेम नहीं रहता था, वही भरना है। हाय देखिए अब इसको भरना है, ये सब क्या भराएगा यही आपको बताना है। यहाँ पर ये स्टार, सॉरी स्टार नहीं है, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो भी वैल्यू लेंगे उसका क्या लिखना है हम लोगों को, निम्नतम लिखना है। निम्नतम, निम्नतम मतलब कम, कमे वाला ना। हाय देखिए इस घर में कौन आ रहा है, इस घर में देखो तो इधर से एक और एक आ रहा है, एक और एक में निम्नतम कौन है, एक है, दोनों बराबर ना है। निम्नतम मतलब छोटा वाला लिखना है, दोनों बराबर है, कोई भी एक को लिख दिए। इस घर में है देखो दो और एक मतलब निम्नतम कौन है, एक, तो यहाँ एक लिखा जाएगा। इस घर में एक और तीन में निम्नतम कौन है, एक है। एक और चार में निम्नतम कौन है, एक है। एक और पांच में निम्नतम कौन है, एक है। अब इस दोनों में लिखिए, इस घर में लिखिएगा तो यही ना आएगा, और ये पोर्शन आएगा ये वाला और ये वाला। इस घर के लिए तो टू और एक में निम्नतम कौन है, एक है। टू और टू बराबर हो गया, टू और थ्री में निम्नतम टू है। इस घर में लिखिएगा देखो यहाँ टू आ रहा है, यहाँ चार आ रहा है, समझ गए ना। दो पांच निम्नतम वाला मान लिखना है, यहाँ लिखेंगे तीन और एक में एक, तीन और दो में दो, तीन और तीन में तीन हो जाएगा, तीन और चार में तीन, तीन और पांच में तीन, निम्नतम मान लिखना है। चार और एक में एक, चार और दो में दो, चार और तीन में तीन, चार और चार में चार, चार और पांच में भी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। पांच और एक, पांच और एक में क्या होगा, एक होगा। पांच और दो में दो होगा, पांच और तीन में तीन होगा, पांच और चार में चार होगा, पांच और पांच इकट बराबर है। यही आपका डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार आंसर मिला लीजिए, और बिल्कुल सही आंसर है, मिटाते हैं इसको। यही देखो कितनी डायरेक्ट सवाल है, और आप चार नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चार नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय एक दो तीन चार पांच फिर से दे दिया है, एक दो तीन चार पांच में निम्नलिखित संक्रिया सारणी एक दशमलव दो सारणी दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। आई देखो ये जो सारणी दिया हुआ है हमको लिखने जरूरी नहीं था, लेकिन समझाना है इसलिए आपको लिख के हम दिखाते हैं। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच बेकार मिटा दिए, लग रहा है वह हीट होता जो अभी हम लोगों का बना था। इधर भी एक दो तीन चार पांच नहीं मिटाना चाहिए था हम लोगों को, नहीं दूसरा है भले मिटा दिए। एक 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 पांच, एक दो एक चार, एक 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 तीन, एक एक दो वाले में एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक दो एक, और इसमें सिर्फ वन 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 वन,
देखो तो इच्छो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारणी दिया हुआ है, ये हम अपने मन से नहीं लिखे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब बोलता है दूसरा का पहला, दूसरा का पहला टू स्टार थ्री स्टार फोर, ये और इसी में दो पार्ट दिया हुआ है, इसका मोल निकालना है टू स्टार थ्री स्टार फोर, इसका मोल निकालना है। आप किताब देख रहे हैं, देखिए टू स्टार थ्री स्टार फोर, टू स्टार थ्री स्टार फोर, इसका मोल निकालना है, निकाल लेंगे इसी जगह। आई देखो टू स्टार थ्री का वैल्यू क्या होगा, देखो टू टू यहाँ पर है, थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री, तो टू और थ्री, टू और थ्री का मोल कितना दिया हुआ है, समझिएगा। यहाँ पे जरा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक है, जरा देख लेते हैं कि जो हम बनाए हैं सारणी वो दिख रहा है ठीक से, बिल्कुल दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखिए दो और तीन, आई देखो दो ले लेते हैं इधर से, तीन ले लेते हैं इधर से, इसका मोल कितना मिल रहा है, यदि इसको काटिएगा इसे कितना में कट रहा है, एक पे दो स्टार तीन का, चाहे रेस लीजिए टू इधर से तीन इधर से, देखिए काटिएगा कितना मिलेगा, एक मिलेगा, चाहे इधर से कटाइए या इधर से कटाइए, एक बार फिर से समझिए टू स्टार थ्री का मोल कितना होगा, टू कहीं भी ले लीजिए, इधर का टू लीजिएगा तो इधर का थ्री लीजिएगा, तो टू इधर का ले लेते हैं टू, यहाँ पर देखो थ्री यहाँ पर है, तो टू और थ्री, देखो ये और ये टू थ्री, जब ऐसे काटिएगा इधर से ये कटा इधर से ये कटा तो एक मिल रहा है, फिर स्टार चार को छोड़ दीजिए, अब ये क्या बन गया, एक स्टार चार बन गया, मतलब एक यहाँ पर है, चार के पास जाइए, है देखो एक स्टार चार, एक एक स्टार चार का मान एक, यही आंसर हो गया। है देखो टू, पहले ब्रैकेट वाले को हल कीजिएगा, दो तीन स्टार चार है, देखो तीन स्टार चार का मोल कितना है, देखो एक दिया हुआ है, अब फिर दो स्टार एक, दो एक यहाँ पर है, दो स्टार एक का मोल कितना दिया, एक, यही आंसर हो गया। ये चार का पहला था, चार का दूसरा, क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, मतलब ये जो संक्रिया है क्या ये क्रम विनिमय है, तो देखते हैं क्रम विनिमय के लिए क्या होगा, ए स्टार बी स्टार, ये दोनों बराबर होना चाहिए, देखते हैं बराबर है कि नहीं है, अपने मन से ले लीजिए ना, ए बराबर दो बी बराबर पांच ले लीजिए, क्रम विनिमय होंगे यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए, हम अपने मन से जो मन में आया ले लिए, दो स्टार पांच बराबर पांच स्टार दो, तो दो स्टार पांच है, देखो तो दो स्टार पांच है, यहाँ पे एक आया, पांच स्टार दो है, देखो चाहे इधर से लीजिए उधर से लीजिए एक, इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, तो लिख दीजिए ना, हाँ क्रम विनिमय है, हाँ लिख दिए। आप बोलिएगा सर हम तीन और चार लेंगे तब, हाँ लो ना जो लेना है लो, आई देखो ए बराबर लो, चलो एक और तीन ले लेते हैं, जो अपने मन से ले सकते हैं, तो यहाँ एक और तीन होगा, यहाँ तीन और एक होगा, तो एक स्टार तीन में एक मिल रहा है, और तीन स्टार एक है, देखो तीन स्टार एक नहीं हो गया, चाहे कुछ भी लीजिए आप किसी भी नंबर को लेकर चेक कर सकते हैं। और इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन है चार नंबर में, टू स्टार थ्री फिर ब्रैकेट है फिर चार स्टार पांच, वीडियो रोक के कोशिश कीजिए ना इट ऑफनेस बनाने का, देखो ना बन जाएगा। आई देखो दो स्टार तीन का मोन लिखो ना, दो स्टार तीन का मोन है, देखो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर है देखो स्टार है चार स्टार पांच, चार स्टार पांच कितना है, एक, पहले ब्रैकेट वाले का हल कर लिए, फिर एक स्टार एक, एक स्टार एक, ये तो एक ही होगा, क्या कोई दिक्कत,
चार नंबर खत्म हो गया। देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्या, 1 घंटा 8 मिनट 8 सेकंड का वीडियो हो गया है। ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आप लोगों के लिए HW हम लिखते हैं, HW 1.3। बोलो क्लास में जब उन्हें बनाते थे सर मारते थे या डांटते थे, यहाँ आपका होशियारी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ईमानदारी भी एक शब्द है नहीं, ईमानदारी भी एक शब्द है जिसको फॉलो करेंगे आप लोग। ठीक है, तब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग HW बनाइएगा और ईमानदारी से बनाइएगा, क्योंकि जब तक HW नहीं बनाइएगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है।